मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात एक बार फिर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश जॉन सीना पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जॉन सीना के पास से 2 पिस्टल, 1 दर्जन कारतूस और 1 एक्टिवा भी बरामद हुआ है। दरअसल मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में शौकीन कॉलोनी में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी 2 बदमाश एक्टिवा पर सवार होकर वहां से गुजर रहे। पुलिस ने जब रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने स्कूटर दौड़ा दिया। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग झोंक दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई के दौरान फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी। घायल बदमाश की शिनाख्त जॉन सीना उर्फ लाला के रूप में की गई है, जो 25,000 का इनामी बदमाश है। कल ही इसी बदमाश ने मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर मोबाइल लूटा था और कुछ रकम भी। पुलिस जॉन सीना के साथ ही तलाश में जुटी थी, साथ ही इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी तलाशने में जुटी हुई है। मेरठ से दाबार टाइम्स के लिए सोनू की रिपोर्ट। ये जॉन सीना था, ये शातिर अपराधी था। ये लगातार कई मुकदमे में फायरिंग और दुनिया और लूट आदि घटनाओं में सम्मिलित था। इसके पास से ये आज बजोट इंस्पेक्टर प्रशांत कपिल लिसाड़ीगढ़ इंस्पेक्टर और अपनी टीम के साथ में चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान एक्टिवा मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार निकले। चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया गया, ये तत्काल भागे और पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस आत्मरक्षार्थ हेतु फायरिंग में इसके एक घायल हुआ है और कामबिंग हम लोग कर रहे हैं कि इसमें सारी चीज़ें हैं। और वर्तमान समय बरामदगी, इसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है, 1 एक्टिवा गाड़ी है, वो भी हम लोग दिखा रहे हैं कि किसकी है, कैसे है, सारी चीज़ों की जानकारी की जा रही है।